हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मेरे पास जो फ़ोन है वो रियलमी का फ़ोन है। खास करके उसमें क्या है, कुछ देख सकते हो, डिस्प्ले वाला पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। कौन सा सेटिंग से हुआ है मैं पूरा वीडियो में दिखने वाला हूँ। जैसे कि वीडियो देख रहा हो अभी, तो आप देख सकते हो उसमें पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में ही आ रहा है, उसमें कलर पूरा चेंज हो गया। तो इसको चेंज कैसे करना है इस वीडियो में आपको दिखाने वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी आप देख सकते हो, एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करना है। एक्सेसिबिलिटी क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो उसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको आना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको देख सकते हो कलर करेक्शन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। कलर करेक्शन पे आपको टैप करना है। टैप करते ही आपको एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन है, तो उसमें क्या करना है आपको, कलर ऑप्शन का यूज़ कलर करेक्शन आपको जो चालू है वो बंद कर देना है। उसको बंद करने के बाद आप देख सकते हो पूरा डिस्प्ले मेरा कलरफुल हो चुका है, कलरफुल। अभी आप वीडियो चालू करके दिखा देता हूँ। अब मैं यूट्यूब में गया, वीडियो चालू करके दिखा देता हूँ आपको। आप देख सकते हो मेरा फ़ोन ऑलरेडी कलरफुल हो चुका है दोस्तों। तो आपका भी फ़ोन पर अगर कभी ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन हो जाए, तो आप इस सेटिंग से की मदद से आप ब्लैक एंड व्हाइट हटा सकते हो। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर।